नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। अमेरिका में 10,000 संक्रमित और 150 लोगों की मौत होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप अमेरिका के लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक करेंगी। व्हाइट हाउस ने मेलेनिया ट्रंप को कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के एक बड़े कैंपेन का हिस्सा बनाया है। इस कैंपेन में मीडिया की भी अहम भूमिका होगी। मेलेनिया ट्रंप नेशनल ब्रॉडकास्ट PSA के जरिए अमेरिकी जनता से मुखातिब होंगे और लोगों को वायरस संक्रमण से बचने के तौर तरीके और सरकार के इससे निपटने की योजनाओं के बारे में बताएंगी। मेलेनिया ट्रंप इस तरह के कैंपेन पहले से ही चला रही है। उन्होंने ऑनलाइन भड़काऊ पोस्ट और दूसरे तरह की ऑनलाइन समस्याओं को लेकर बी बेस्ट नाम से कैंपेन चला रही है। अब वो सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ कैंपेन चलाएंगी। डेली मेल के मुताबिक व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि मेलेनिया ट्रंप नेशनल TV पर लोगों को बताएंगी कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को कैसे बचाए और इसके लिए उन्हें क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए। इस कैंपेन में मेलेनिया ट्रंप के अलावा सर्जन जनरल जेरोम एडम्स, संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फोसी और डॉक्टर डेबोरा ब्रिक्स भी शामिल होंगे। ये सब कोरोना वायरस टास्क फोर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे। ये पूरी टीम राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के बीच भी मौजूद रहेगी। ट्रंप वक्त वक्त पर कोरोना वायरस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, जिसमें वो अमेरिकी नागरिकों को बीमारी से लड़ने के लिए किए जा रहे सरकार के उपायों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप पहले ही अमेरिकी नागरिकों को कह चुके हैं कि आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो फिलहाल के लिए एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने हाथ को बार बार धोएं, रेस्टोरेंट और बार से दूर रहें। अब व्हाइट हाउस ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उतार दिया है। इस तरह के कैंपेन में अमेरिका की फर्स्ट लेडी पहले भी हिस्सा लेती रही है। मिशेल ओबामा ने अमेरिका की पहली महिला रहते हुए लोगों को वोट करने के प्रति जागरूक किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की इसके पहले कोरोना वायरस पर दिए गए राय की वजह से आलोचना भी हुई है। NBC यूनिवर्सल ने उन्हें मीडिया के सामने कोरोना वायरस को लेकर सरकार के एहतियाती उपाय के बारे में जानकारी साझा करने का मंच उपलब्ध कराया था, लेकिन ट्रंप ने उस मौके को गवा दिया। उन्होंने उस वक्त आरोप लगाया था कि मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, कोरोना वायरस से इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप का आकलन गलत निकला। अमेरिका में कोरोना वायरस ने तेजी से पांव पसारे हैं। अमेरिका में अब तक वायरस संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वायरस की चपेट में आकर 150 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने अमेरिका में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। बुधवार को उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $100 बिलियन के इमरजेंसी फंड भी जारी कर दिया है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।